बेटे आदत हो गई है। एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, रातों रात करोड़पति हो गए हम। रातों रात करोड़पति? हाँ। कैसे? 25 दिन में करोड़पति। करोड़पति 25 दिन? मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? नकली नोट छापने धंधा है क्या? एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो है ये स्कीम है। तो दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड में वैकेंसी आई हुई है, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है और इसकी लास्ट डेट क्या है। तो इसकी डेट है, ये पब्लिश कब हुआ था, 2 फरवरी को, ठीक है। यहाँ पर ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर नीचे क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, ग्रेजुएट, अपने ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए ये सभी ब्रांचेस में, और इतनी यहाँ पर वैकेंसीज है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे जाएंगे तो डिप्लोमा में टेक्नीशियन की वैकेंसी है और ये सभी ब्रांचेस यहाँ पर एलिजिबल है, आप देख सकते हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी देखें तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए ये सभी ब्रांचेस में, और डिप्लोमा वाले अगर आप हो तो आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर फाइनल ईयर यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ठीक है। फाइनल ईयर यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए डिग्री या डिप्लोमा का, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, फाइनल ईयर यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। रिजर्वेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1% सभी के लिए होता है, सभी कैटेगरीज के लिए। नीचे कोई सर्विसमैन की कोई सर्टिफिकेट वगैरह है तो उसके लिए है। उसके बाद EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन रिजर्वेशन के लिए सभी है, आप अपने हिसाब से आपको अगर लागू होता है तो आप ये रीड कर सकते हो। उसके बाद इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट हु मीट नोटिफाइड क्राइटेरिया शुड अप्लाई अप्रेंटिसशिप पोर्टल mhrdnats.gov.in। तो आपको इस वेबसाइट पर जाकर 25 फरवरी से पहले इसमें आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप ये इसमें अप्लाई कर सकते हो, ये हाल जो रिक्रूटमेंट है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है, और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में देखें तो यहाँ पर आपका कोई भी सर्टिफिकेट में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, आपका नाम प्रॉपर होना चाहिए, सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा लिखा गया है। अगर प्रॉपर ना हो तो आपको रिचेक कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी टाइप का डिस्क्रिप्शनसी इसमें कोई भी डिटेक्ट हुआ तो आपको ये रिजेक्ट कर सकते हैं, इसमें ऐसा लिखा गया है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में देखें तो वो पास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आपको बताया गया कि ये ओरिजिनल या प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा का, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फाइनल ईयर यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर और भी लिखा गया है कि स्टाइपेंड आपको जो रूल्स के अनुसार आपको मिलेगा, और यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस आपको अगर 1 साल से ज़्यादा हो तो यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो, सॉरी, यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो। यहाँ पर आप 1 से ज़्यादा पोस्ट, सॉरी, अगर आप डिप्लोमा के कैंडिडेट, सॉरी, आप डिग्री वाले कैंडिडेट हो, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ, तो आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो आपने कहीं पर से अप्रेंटिस किया नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे जाएंगे तो आपका ये जो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, तो आपका जो ट्रेनिंग रहेगा वो 1 साल का रहेगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, ठीक है। उसके बाद नीचे जाएंगे तो बस जब भी आप ज्वाइनिंग के लिए जाए तो आपको ये सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे। उसके बाद जो भी आपका रिजल्ट इसमें आएगा, जो भी अपडेट्स इसमें होगी, ठीक है, वो सभी आपको www.hallindia.com पर आपको देखने को मिलेगा, तो रेगुलरली आपको इसको चेक करने का रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही जॉब अपडेट्स लेकर आते ही रहता हूँ रेगुलरली। इसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करते ही रहता हूँ, जो भी नई रिक्रूटमेंट आती है उसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करते ही रहता हूँ, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए, आपको मेरी वीडियोस गूगल पर, सॉरी, यूट्यूब पर सर्च करके देखने ना पड़े, आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए, और आप उसके ऊपर क्लिक करके ही आप कोई भी रिक्रूटमेंट वैकेंसीज होती है तो आप उसके ऊपर क्लिक करके आप वीडियो देखकर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सको। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, ठीक है।